हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक डेरिवेशन और उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पिस्टन इन डैशपॉट। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हैं ये डैशपॉट है और इसके अंदर ऑयल फील्ड है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन का रॉड है। ठीक है, ऑयल है इसमें और ये बेसिकली जैसे आपका शॉक अब्जॉर्बर उसमें यूज़ करते हैं इसका। एनीवे, यहाँ पे हम देखेंगे इसका फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का काम रहता है। तो अब देखिए, ये ऑयल है, जैसे ही पिस्टन मूव करेगा, पहली चीज़ ये यहाँ पे होगा तो एक प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा होगा इसके ऊपर और प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि इधर एरिया ज़्यादा है और इधर एरिया कम है तो इस तरह प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो नेट प्रेशर लग रहा होगा वो अपर डायरेक्शन लग रहा होगा। और यदि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इसका जो वेट है, पिस्टन का वेट है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा होगा, जो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर लग रहा होगा, नेट प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, ये इसका सोचने का तरीका है। अब ये बेसिकली एक चीज़ ये हो गई। दूसरा आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑयल है वो इस स्पेस से फ्लो करेगा, तो ये किस तरह का केस बनेगा, फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड प्लेट्स। ठीक है, तो फिक्स प्लेट के केस में हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो फार्मूला कुछ इस तरह से आया था, यू बार इक्वल्स माइनस वन अपॉन 12 म्यू डेल पी वाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लेंथ है डेल पी डी एक्स क्या हो जाएगा, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है। ठीक है, और ये हो गया आपका डेल एक्स बेसिकली। ठीक है, और है ना डेल बी, फिर यू बार क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, यू बार इक्वल्स माइनस वन अपॉन 12 म्यू और डेल पी और डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये लेंथ, डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है, ये जो क्लियरेंस स्पेस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, क्लियरेंस बिटवीन डैशपॉट एंड पिस्टन। ये जो आपका डैशपॉट है और ये पिस्टन, इनके बीच में जो क्लियरेंस है उसकी वैल्यू हमने टी ली है, तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको यदि आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू बार है ना, या फिर मैं बोलूँ डेल पी, डेल्टा पी, ठीक, डेल पी डेल्टा पी, ये इक्वल्स क्या आ जाएगा, 12 म्यू इंटू यू बार इंटू एल अपॉन क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर। ठीक है, ये डेल्टा पी आ गया। ठीक है, अब ये डेल्टा पी तो आ गया, इसके बाद ये डेल्टा पी किसके बराबर होना चाहिए, वेट है ना। दिस प्रेशर डिफरेंस शुड बी इक्वल टू प्रेशर exerted due to weight of piston। ठीक है, तो pressure exerted due to weight of piston क्या हो जाएगा, वो P आ जाएगा आपका W, ये हो गया वेट अपॉन एरिया। तो पिस्टन का एरिया क्या हो जाएगा, पिस्टन का एरिया, मैं डैशपोर्ट का एरिया की बात करूँ तो पाई फोर और हमने D लिया है डायमीटर, पाई फोर डी स्क्वायर। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और एक्सेस प्रेशर है ये इस वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 यू म्यू अपॉन यू बार इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स, ये फोर ऊपर चला जाए तो फोर डब्ल्यू अपॉन फाइव डी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप यू आर निकालो, यू आर क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो यू आर इक्वल्स आ जाएगा आपका फोर डब्ल्यू इंटू टी स्क्वायर अपॉन, ये सब बाकी टर्म नीचे आ जाएंगे, पाई डी स्क्वायर तो है ही यहाँ पे, पाई डी स्क्वायर के अलावा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और 12 के साथ ये म्यू आ गया और ये एल आ गया।
ठीक है, ये निकला आपका यू आर, ठीक है, ये वाला टर्म नीचे आ गया, पाई डी स्क्वायर एल, पाई डी स्क्वायर एल इंटू 12 म्यू, ठीक है, और ये टी स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकला है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से, अब यदि आप देखेंगे इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से, जैसे ये पिस्टन ऊपर नीचे की तरफ मूव होगा, है ना, पिस्टन ऊपर नीचे की तरफ मूव होगा तो ऑयल का डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लें ये पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एक वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो यहाँ से जो ऑयल है वो इस तरह से इधर आएगा, तो जितना पिस्टन ये ऑयल डिस्प्लेस करेगा उतना ही ऑयल यहाँ से इधर नीचे आ रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन और करते हैं, जैसे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय पिस्टन मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू क्लियरेंस। ठीक है, तो मास डिस्प्लेस बाई मास, है ना, या बेसिकली मास फ्लो रेट, है ना, तो इसका क्या आ जाएगा कंटिन्यू इक्वेशन के हिसाब से, ये बेसिकली क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, तो ए वन बी वन इक्वल्स ए टू बी टू आएगा, तो इसमें एरिया ऑफ द पिस्टन आ जाएगा, एरिया ऑफ पिस्टन या डैशपोर्ट क्या होगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या है पिस्टन की, वी इक्वल्स इसके अंदर, तो क्लियरेंस का आप एरिया निकालें क्लियरेंस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई डी टी, है ना, इस हिसाब से देखेंगे तो पाई डी टी, और इसमें वेलोसिटी क्या है यू बार, ठीक है, वेलोसिटी क्या है यू बार, तो यहाँ से आप यू आर की जगह क्या पुट अप कर सकते हैं, यू आर की जगह पुट अप कर सकते हैं पाई आई फोर डी स्क्वायर टू वी अपॉन पाई डी टी, दिस इम्प्लाइज यू आर इक्वल्स आ जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर मैं इसको लिख दे, हाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका डी स्क्वायर इंटू वी अपॉन फोर डी टी, ठीक है, तो म्यू आर इक्वल्स ये डी से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका म्यू आर इक्वल्स वी अपॉन फोर टी, वी और ये डी, है ना, डी इधर बचा है, तो वी डी अपॉन फोर टी। तो हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन आया है यहाँ पे, इसके साथ ये यू आर है ना, इसको कंपेयर कर, इसको थ्री मान लेते हैं और इसको फोर मान लेते हैं, तो यहाँ से यू आर की वैल्यू इसमें पुट अप कर देते हैं, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका वी डी अपॉन फोर टी इक्वल्स फोर डब्लू टी स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व पाई डी स्क्वायर म्यू इंटू एल। तो यहाँ से यदि मैं म्यू निकालना चाहूँ तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इक्वल्स ये म्यू उधर चला जाएगा, बाकी सारे टर्म्स रीअरेंज हो जाएंगे, तो फोर डब्लू टी स्क्वायर और इंटू फोर टी, ठीक है, ये इधर आ गया अपॉन, ये क्या इधर क्या आ जाएगा ट्वेल्व पाई डी स्क्वायर एल, आपका म्यू उस तरफ चला गया है इंटू वी डी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ये फोर फोर सिक्सटीन, तो म्यू इक्वल्स सिक्सटीन डब्लू टी का क्यूब अपॉन, यहाँ पे देखेंगे ये ट्वेल्व और पाई और डी का क्यूब हो जाएगा क्योंकि डी यहाँ पर भी है, तो ट्वेल्व पाई डी का क्यूब, ठीक है, डी का क्यूब हो गया और बचा एल और वी, ठीक है, तो वी एल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फोर्टीन फोर जा फोर फोर जा सिक्सटीन फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो म्यू इक्वल्स आ जाएगा फोर डब्लू टी का क्यूब पाई डी क्यू वी एल,
तो यहाँ पे ये आपका सॉल्व हो गया। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे।